नमस्कार, मैं उर्मिला पांडे उर्मिला ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे व्यूवर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। धनतेरस के बारे में कुछ जानकारियाँ बटोर करके आप लोग के पास लाई हूँ। चलिए मैं बताती हूँ कि धनतेरस में क्या करना चाहिए और क्या वस्तु खरीद के लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए कि ताकि मेरे घर साल भर शुभ हो, बरकत हो, मान सम्मान व्यक्ति को मिले, खुशी मिले। इसकी जानकारियाँ मैं आपको बांट रही हूँ। तो चलिए, धनतेरस धनवंतरी भगवान से आया है। धनतेरस कैसे आया है? धनवंतरी भगवान से। ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। समुद्र मंथन के बाद धनवंतरी भगवान सोने के कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। इस दिन धनत्रयोदशी के दिन उनका जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, धनवंतरी का। इसलिए आप लोग भी घर में मनाइए उनका जन्म उत्सव। शाम को तो पूजा होता है धनवंतरी का और कुबेर का, माँ लक्ष्मी का। तो सामान ला करके तो लोग पूजा पर ही रखता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या सामान लाना चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले काम का चीज़ है जो धनिया, खड़ा धनिया थोड़ा सा ले आना चाहिए। और खड़ा धनिया ला करके माँ लक्ष्मी और धनवंतरी के सामने एक लाल कपड़ा बिछा करके रखना चाहिए। जो धनिया खरीद के लाए उसको वहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद दोनों से अपनी मनोकामना बोलना चाहिए कि हमारी क्या मनोकामना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मनोकामना नहीं होती है, इसलिए मनोकामना अपना बोलना चाहिए। मनोकामना बोलने के बाद धनिया को वहीं रहने दें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं और वहीं रहने दें। पूजा करने के बाद वहाँ से धनिया उठा लें, आधा धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपने अलमारी में जहाँ आप पैसा रखती हैं वहाँ पर रख दीजिए। साल भर पूरा शुभ ही शुभ होता है, बरकत होता है, लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। और जो आधा धनिया जो बचा हुआ है उसको गमले में किसी मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए, क्योंकि वो तो उग ही जाएगा। उगने से पता चल जाता है कि हाँ हमारे घर में बरकत है या नहीं है। इसलिए आप ऐसा कीजिए, और धनिया जो अलमारी में रखी हैं पोटली बना करके उसे सुख समृद्धि, मान सम्मान, धन में वृद्धि होता है, इसलिए ऐसा करके देखिए। उसके बाद फिर पता चलेगा कि ये मतलब पोटली अच्छा है या क्या है। उसके बाद धनिया लाने के धनिया का तो हो गया, फिर नमक ले आइए। जो सेंधा नमक है वो नमक को पूजा पर नहीं रखें, वो कहीं ला करके रखें और दिवाली के दिन उसे एक टुकड़ा उठा करके अपने गेट के सामने बांध दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा उससे चला जाता है। और जो नमक और जो बच गया है उससे दिवाली तक पोछा लगवा दीजिए घर में। उससे भी पूरे घर की नेगेटिव ऊर्जा जो है सो बाहर चला जाएगा। ऐसा कीजिए नमक के साथ। धनिया के साथ अलग पूजा है और नमक के साथ अलग है। और चीनी उस दिन ज़रूर लाइए, चीनी लाइए और चीनी को भोग लगा करके प्रसाद में यूज कीजिए। मिठाई बनाइए अपने घर में, पकवान बनाइए। और उस दिन खील बतासे ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रिय भोग है, लक्ष्मी जी का प्रिय भोग है। उस दिन
हिल बतासे, झाड़ू, जल संग्रह करने वाला बाल्टी या भगौना, कुछ भी गिलास लोटा ले आना चाहिए। जैसा हमको सामर्थ्य हो, आपको सामर्थ्य हो, सोना चांदी पीतल तांबा बर्तन खरीदिए, लेकिन उसके साथ जल वाला बर्तन जरूर खरीदिएगा, चाहे गिलास लोटा कुछ भी हो। ये सब चीज़ खरीदना चाहिए, थोड़ा घी भी संग्रह कर लेना चाहिए, रुई ले आइए अपने घर में। वस्त्र अगर है तो भी ले आ सकती हैं, पीला वस्त्र खरीदिए, लाल वस्त्र खरीदिए और ला करके अपने पूजा स्थान पर रखिए। क्या नहीं खरीदना चाहिए उस दिन, जैसे लोहा का सामान नहीं खरीदना चाहिए, नुकीली वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, धारदार चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, जैसे औजार हो गया, चाकू छुरी ये सब नहीं खरीदना चाहिए। लोहा का भी सामान उस दिन स्किप ही करना चाहिए, प्लास्टिक का सामान शीशा का सामान नहीं खरीदना चाहिए, उससे बरकत नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि धनतेरस के दिन क्या खरीदें और कैसे पूजा करें। धनवंतरी पूजा तो शाम को होता है, सारा सामान परदोष काल में ले आए, जो आपके इच्छा वही ले आए और ला करके और शाम को पूजा कीजिए। जैसे आपके घर विधि से पूजा होता है वैसा कीजिए, धनवंतरी और कुबेर और लक्ष्मी जी का। और एक काम और कीजिए, यम का दिया निकालना नहीं भूले, अकाल मृत्यु से बचाव होता है, इसलिए यम का दिया रात में सारे काम करने के बाद यम का दिया जरूर निकालना चाहिए। यम का दिया निकालें, अपने घर को सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित करें। और अगर आपको दीपक का जो पोटली बनता है, लक्ष्मी जी का पोटली जो बनता है, कुबेर का जो पोटली बनता है, अगर वो बनाना है तो उसके बारे में भी मैं अभी ही बता दे रही हूँ कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें गोमती चक्र, धनिया, हल्दी का गांठ, लौंग, इलायची, कमलगट्टा और भोजपत्र लाइए, कौड़ी, चांदी का सिक्का। लाल कपड़ा पर सारा चीज़ रख दीजिए लक्ष्मी पूजन के दिन और सारे चीज़ को पूजा कीजिए। और जो भोजपत्र है उसमें माँ लक्ष्मी का मंत्र लिखिए और मंत्र लिख करके उसी में मोड़ करके रख दीजिए। और चांदी का सिक्का जो है उसको भी पूजा करके, लक्ष्मी गणेश का मूर्ति उसमें रहता है, उसको भी पूजा कीजिए। और मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु तन्यो च धीमहि तन्यो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम लिख करके और भोजपत्र मोड़ करके और अपने पोटली में बांध दीजिए और पूजा स्थान पर रखिए, पूजा कीजिए और अपने अपने घर में जश्न मनाइए। धनतेरस का 5 दिवसीय पूजा है, धनतेरस है, चौथ है, चतुर्दशी जिसको बोलती हैं वो है, और फिर दीपावली है, भैया दूज है, इसलिए आप लोग अपने अपने घर में अच्छा से मनाइए। और मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।